सो हेलो एंड नमस्ते आप सबको। ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं फ्रेंडशिप पीक के बेस कैंप पे, लेडी लेक पे, और गए 2 घंटे से ऐसी बातचीत हो रही है, कहानियां और किस्से शेयर कर रहे, कभी डरावने, कभी फनी, कभी भूत के, कभी प्यार के। तो अभी एक मुझे किस्सा याद आया, व्हेन आई वाज ऑन माय वे टू एवरेस्ट समिट पुश रात को, आफ्टर आई सॉ माय फर्स्ट डेड बॉडी, नॉट माय फर्स्ट डेड बॉडी, द फर्स्ट डेड बॉडी, तो दिमाग में ना थोड़ा सा कुछ हो रहा था। एंड दैट स्टोरी अगर आपने देखी नहीं है तो देख लेना, वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। सो चल रहा हूँ मैं, आगे हूँ, मेरे पीछे मेरा शेरपा है और कोई नहीं है। जो लोग थे सारे बहुत पीछे थे, उस दिन बहुत फास्ट था मैं फॉर सम रीजन। दूर से आगे इट्स अ रिज, ठीक है, मतलब स्ट्रेट है पर थोड़ा स्टीप है। दूर ना रिज पे आगे कुछ लाइट दिख रही है, और उस रात को कोई आदमी आगे नहीं गया था, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था कोई था नहीं आगे, तो हमको नहीं दिख रहा था। तो अचानक से लाइट दिख रही है वहां पे मुझे, उसके तरफ जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं उसके तरफ, उसको देख के मुझे लगा शायद किसी की टॉर्च वॉर्च गिरी होगी, कुछ तो होगा, आई डोंट नो। सो जैसे जा रहा हूं आगे, मुझे मेरे कान में राइट साइड से, एंड जस्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल पिक्चर, जब आप रिज पे वॉक कर रहे हो एवरेस्ट नॉर्थ ईस्ट रिज पे, तो लेफ्ट साइड पहाड़ है थोड़ा सा, एंड राइट साइड 13,000 फीट सीधा रोंगबू ग्लेशियर पे ड्रॉप है। आवाज आ रही थी जहां पे ड्रॉप है 13,000 फीट, जहां पे कोई हो ही नहीं सकता। आवाज कैसी आ रही है, पत्थर, दो पत्थर टक 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 टक, रुक गया। 10 सेकंड बाद टक 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 टक, रुक गया। मुझे, मैंने मेरा ऑक्सीजन वगैरह चेक किया कि मेरे मशीन में से कुछ आ रहा है आवाज, जो पीछे जो पूरी सिस्टम होती है ना उसमें कुछ हो रहा होगा शायद, उसमें नहीं था। ये राइट ईयर में बहुत ध्यान से मैंने सुना था, नीचे से आ रही थी आवाज कहीं से ना, खाई में से रुकी नहीं आवाज। तो मैंने मेरे शेरपा को, वो मेरे पीछे से कैचअप किया वो, और मैंने उनको पूछा भाई आपको आवाज आ रही है, उसने बोला चल 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 चुप 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 चल चल। अब मेरी और फटी, ये है क्या, वो भाई मुझे बोल नहीं रहे थे क्या था, और मैं उनको हर 5 मिनट में रुक के पूछ रहा हूँ क्या है, आवाज क्यों नहीं आ रही। उसने बोला चुप चल। मैं बोल रहा हूँ यार ये अजीब सा बिहेव कर रहा है ऐसे, पक्का मुझे समझ में आया फिर कि कुछ तो सही नहीं है ये। तो आई थिंक जब भी 4:30 बजे रोशनी हुई उसके बाद ये आवाज रुक गया, एंड उसके बाद लोग भी आ गए थे पीछे से, तो भूल गया मैं भी ये, बिकॉज एवरेस्ट समिट के पास हूँ, तो कुछ अलग ही दिमाग में चल रहा था। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा परमात्मा, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, समझ रहे हो, कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता ये हुआ था मेरे साथ, मानना नहीं मानना बिल्कुल आपके ऊपर है। बट या ये था, शेरपा से पूछा नहीं। अरे फिर क्या हुआ, जब हम नीचे आए भूल ही गए थे हम लोग, बिकॉज मैं जब नीचे आ रहा था मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा, उसके 20 मिनट बाद मैं खुद मरने वाला था, उसके 1 घंटे बाद मेरा लेफ्ट आई में स्नो ब्लाइंडनेस हो गया 100%। तो ये चीजें माइंड में रहती नहीं है तभी, लेकिन जब घर पे आया ये कहानी तो एक्चुअली मैं भूल ही गया था, आपसे बात कर रहा था तब याद आया कि ऐसा भी कुछ हुआ था ऊपर, नहीं तो वीडियो बना ही लिया होता अभी तक मैंने इस पे, लेकिन नहीं पूछा मैंने। और वो बंदा जो शेरपा है वो ही इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर, ही डाइड ऑफ कैंसर आई थिंक 2-3 मंथ्स अगो, सो आई डोंट नो क्या था वो, एंड कुछ चीजें नहीं पता हो वही बेटर है। बट एक इंसान की क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानना है। सो एनीवेज बस यही था, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ भी हो, जब भी देख रहे हो, आज से 100 साल बाद भी आप देख रहे हो तो मेरा सलाम है आपको, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। चालू है क्या स्पॉटलाइट में आज, है ना, चालू है, ठीक है, तो यार सारे सब देख रहे हैं मेरे को नहीं आपको, हम तो देख रहे हैं, दिस इज माय लाइफ, यहां वहां देखो तो ओके